और इसकी थर्ड सर्विस करानी है क्योंकि ये पहुंच गई है 14:30 चला दिए, जहाँ जहाँ जाऊंगा ये वहाँ वहाँ चलती रहेगी। हाँ, और ये ABS और ये इंजन लाइट आ रही है, फोन लेके कैसी खुशी हो रही है। तो भैया लोन लेने ले लिया, दूसरा फोन कहाँ से लेंगे, कहेंगे कैसे क्या रहता है, अभी ज़्यादा बोल नहीं रहा, चुप रही है, चुप दोनों जन। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बड़ों को मेरा राम राम, छोटों को हेलो। आई होप सभी बढ़िया हो गए, मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो कल मैं बता रहा था कि बाइक को दिखाना है कि मीटर में एरर आ गया, बट कल नहीं दिखा पाया था क्योंकि कल थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल रहा पूरा का पूरा। तो अभी मैं अपनी बाइक को, मतलब पहला आज का यही प्लान है कि बाइक को दिखाता हूँ, मीटर ठीक कराता हूँ, साथ में अपनी जो दूसरी N160 है उसकी भी थर्ड सर्विस होने वाली है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है बजाज के साथ, मतलब बढ़िया ही रहता है वैसे तो, और खासकर मेरा यहाँ पे जहाँ पे वो लेंचर में से दिखाता हूँ तो एकदम से बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है। उसके बाद में एनहेंस पावर, अब इस बार क्या है उसकी ना पावर एनहेंस हो जाएगी अपनी बाइक की, उससे बात करके मतलब उसे बता दूंगा कैसे जाए। थोड़ा सा लैग आने लगा है हल्का सा, मतलब लैग कैसे, जैसे या तो थोड़ा सा ओवरड्यू हो जाती है या वो सर्विस, तो हल्का सा लैग आ रहा है उसे बता के, ज़्यादा बताना है पूरा का पूरा क्या दिक्कत है, अभी चलते हैं। चलो भाई, बाइक वाइक तो बाहर कर ली है और गाड़ियाँ तो अपनी बाहर रहती हैं, बाइक ही इतनी सारी हैं क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4 और एक अभी अंक यानी मेरा छोटा भाई लेके गया हुआ है। तो अभी किसकी सर्विस करानी है, जाओ। और ये अब जैसे हम, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा ये वहाँ वहाँ चलती रहेगी, और ये यहाँ पे छोटे छोटे पिल्ले हैं, इनके साथ खेलती है। चलो अंदर जाओ। तो अभी सर्विस किसकी करानी है और मीटर आपको बता ही दिया, मीटर तो देखो इसका ठीक कराना है RS 200 का, क्योंकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या एरर सा आ रहा है। और एरर मतलब वही है कि भाई ना तो इसका डिजिटल मीटर यानी स्पीड दिखा रहा है, RPM तो दिखा रहा है, और साथ में क्या ये ABS की भी लाइट आ रही है और ये इंजन लाइट भी आ रही है इसमें। तो सबसे पहले जाके इसका तो मीटर चेक कराना है और इसकी थर्ड सर्विस करानी है क्योंकि ये पहुँच गई है 14:30 चला दिए इसने, 14,000 चलिए, देखो ये पहुंच गई है 14,062। तो पहली तो सर्विस देखो ऐसी है, वो 500 किलोमीटर होते हैं तो वो तो एक इस तरीके से होता है कि टेस्ट सा हो रहा है कि हाँ प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही, वो तो नॉर्मल होता है। एक साल होगी नहीं सर, एक साल में 14,000, मैंने 2 साल में 50,000। तो हम हमारा भैया ऐसे ही है, ऐसे भाग रहे हैं भैया। तो प्रॉपर व्लॉग तो मोटा व्लॉग एकदम तरीके से, अब जब भी आएगा या तो GoPro आ जाए या फिर मेरा वो छोटा वाला वाला एक 15 Pro मिल जाए तभी पॉसिबल है, अभी इतने हाथ से ही करना पड़ेगा। और थोड़ा सा कर लेना भाई, लो हल्का सा एडजस्टमेंट है। चलो क्या दिक्कत आ रही है, पहले इसे देखो, उसकी तो सर्विस होनी है, इसके मीटर में एरर आ रहा है, कि क्या कर रहे हो, ये कर रही है दिक्कत या तुम कर रहे हो। तो डिजिटल मीटर ना चल रहा है इसका, हाँ, और ये ABS और ये इंजन लाइट आ रही है, ABS मीटर से नहीं चल रहा, चेक लाइट आ रही है, कोई सेंसर की, दोनों सेट हो जाएगा। तो क्या होना है इसमें, फिर चेक करके आओ जाओ। तो चेक करने जा रहे हैं भाई साहब, जाइए अभी बाद में दिखाऊंगा इसे, पहले इसे वर्कआउट हो जाए पहले, क्या दिक्कत है कि कहाँ दिक्कत आई है इसमें, ये वाली यही है। और भाई इसे ऊपर चढ़ा के लाए हैं अभी, क्या वही है प्रॉपर एडजस्टमेंट हो नहीं पा रहा, क्योंकि जब तक या तो GoPro ना आ जाए या मेरा दूसरा वाला फ़ोन यानी 15 Pro जो ले रहा हूँ मैं, 14 Pro तो बेच दिया, 14 Pro Max से बना रहा हूँ, और 14 Pro Max में ऐसा होता है मोबाइल माउंट में अच्छे से वर्किंग नहीं कर पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा हिलता है। फिर मैंने अभी ये नया लिया, मैं इस वजह से अब मतलब थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि 14 Pro जो ख़राब हुआ है कुछ ना कुछ, या तो मोबाइल माउंट की वजह से दिक्कत हुई है, और एक मतलब इसी वजह से दिक्कत है। तो सबसे पहले इसकी भी सर्विस करानी है, और पहले इसमें तेल मोबिल कौन सा डलवाया हुआ तूने, कैस्ट्रोल का था,
अब से मोटिकल डलवाएंगे, मोटिकल का सबसे बढ़िया वही डलवाएंगे। मैंने हैंगो में भी डलवाया हुआ है और आरएस में भी ये मोटिकल ही डाले हैं। वही डलवाएंगे, मोटिकल ही डालोगे ना मोबाइल तो इस बार इसमें तुमको मोटिवल ही डाल दिया, वही सबसे बढ़िया चल रहा है। हंग में भी मैंने वही डलवा रखा है और आरएस में भी वही डाल रहे हो तो मोटिवल ही डाल दो। दोबारा बताओ। और ये हाँ, मैं तुमसे नंबर प्लेट की भी कह गया, तुमने पिन ना लगाई। भैया कह रहे हैं गाड़ी तो एकदम परफेक्ट चल रही है, बस मीटर में दिक्कत आ रही है। तो मीटर दिक्कत सॉल्व कर दो। एक तो ये वाली पिन भी टूट गई, हटा के दूसरी लगाओ और एक यहाँ लगाइयो बीच में, ठीक है। ये खड़ी कर दी है सर्विस के लिए, अभी इसे लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा और उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसा है फिर जाएंगे कैसे पुलिस चीज़ें, नहीं तो फिर छोटा भाई बुलाना पड़ेगा। तो अभी पहले उसकी सर्विस हो जाएगी फिर इसे छोड़ जाएंगे। इसमें क्या है, सेंसर की दिक्कत आ गई है और दूसरा ये मीटर में दिक्कत है, वो खुल के अपने आप से, हाँ मीटर सेंसर जो है वो और दूसरा काम ये हो जाएगा। और एक ये पता नहीं कौन से ने ये गिर दिया यहाँ से और वो भी मुड़ा पड़ा, तो ये भी ठीक हो जाएगी। अब देखते हैं जैसे भी, और मोटिव इकहत्तर सौ वही सिंथेटिक ऑयल डल जाएगा उसमें भी, मैंने वही कर दी क्योंकि देखो ऐसा है इंजन कूल के लिए सेमी सिंथेटिक से बढ़िया कोई और मोबी ऑयल है ही नहीं, क्योंकि इंजन को एकदम कूल रखता है और बढ़िया से तरीके से, तो फिर वही डलवाएंगे। थोड़ा सा वो महंगा आता है, मतलब डबल हो जाता है ये, मतलब वो 700 रुपये का है तो वो 1200-1300 रुपये का है। बट ये है 5000 किलोमीटर तक इंजन, जैसे तूने देखा होगा भापसी मारता है ना बंद करने का, तो वो भाप ना मारेगा और गर्मी आ रही है, गर्मी आ रही है तो बहुत दिक्कत होगी। अब वैसे हम तो भगा में भाई ये जो एजेंसी है ना बूट चुराई वाली, ये ऐसी है ट्रस्ट वर्ड थी मेरी, मैं अपनी बाइक छोड़ के चला जाऊँ एकदम मौके करके घर पर आ जाती है मेरी। फोन लेके कैसी खुशी हो रही है, तो भैया लोंडे ने ले लिया 15 Pro Max देख रहे हो, अल्ट्रा 2018 GB 2018 GB रिस्टार्ट होएगा ना। और भैया जी ने ले लिया 14 Pro Max। अच्छा और भैया जी ने ले लिया 15 Pro और हमें दे दिया 13 Pro देख रहे हो। भाई अपना भी जो मीटर एरर था वो सॉल्व हो गया, बस 5 मिनट का काम था। सीट खुल के एक तो सेंसर चेक करना था और ये वायर जो था निकाल के वापस से लगा दिया। ये जो ABS का और चेक लाइट का जो ऑप्शन आ रहा था, तो चेक लाइट का तो चला ही गया, स्टार्ट होने के बाद में ABS का भी चला ही जाता है, तो अभी चला के दिखा भी दूंगा। और दूसरी बाइक की भी सर्विस हो गई, बिल का है उसका, और थर्ड सर्विस जो ये भाई उसकी 2100-2200 रुपए की हुई है बस, और ऐसा था 200 रुपए के हैं वो लग सकते हैं, वो जोड़ नहीं पाए थे तो अपनी जो थर्ड सर्विस हुई है उसका जो चार्ज है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, किट एंड फिल्टर एंड चैन ल्यूब करी गई है, और देखो एक है उसका यानी मोबी ऑयल का, तो पूरा जो है 2155 एक है और 200 रुपए एक और है, यानी लेबर चार्ज वो अलग बिल है, मतलब 3 बिल बने हैं पूरे कंप्लीट। और अपनी सर्विस हो गई है उस बाइक की और धूके नीचे चली गई है, अभी भाई नीचे चलते हैं अपने, मतलब ये है एकदम बढ़िया से हो गया। बता कैसी लगी फिर सर्विस यहाँ की? अरे बहुत बढ़िया सर्विस हमारे आजू भाई ने। अजू भैया ठीक हैं, मिलते हैं, किन पे आना सर्विस यही करें भाई बढ़िया, अगर करवानी हो तो, नहीं तो अपनी लोकेशन में पहुँच गए। और एक छोटा सा स्टैंड देख लो, ये हल्की है तो पीछे से बहुत आसानी से उड़ जाती है, और ये देखो आप पीछे ये वजन है इसमें ज्यादा, ये उठती ना, और बाकी का इसका ABS का जो है ना छोड़ती है हाँ, ये ना छोड़ती भाई, ये चिपका हल्के हल्के चिपका के जब ब्रेक लेती है, ये एक साथ ना ब्रेक मारती। ये मैंने उठाई थी जब इसकी ABS की वायर खराब हो गई ना पहले भी, अभी हाँ अगर तुझे मारने थे ये उठ जाती, अगर ये अब ठीक ना करवा के लाता मैं, या तो इसके ABS बंद करने पड़ेंगे जब उठ जाएगी। क्या हो रहा है जैसे हम ले रहा हूँ ये वाले, पहले ये लेने पड़ते हैं पीछे वाले ABS लेगा, दोनों के साथ ले मैंने ABS, अच्छा जब मार रहा तब भी छोड़ रही है। अच्छा ऐसे उठे ये, अच्छा ट्रिक है, अच्छा ओके, तो फिर तो हमारे साथ ही हो जाएगी, ये तो हो जाएगी, उठ जाएगी करके देखियो, हल्की सी मारी हो ना के साथ ट्राई करते हैं, अगर क्या ले रही है यार, ना उठेगी ये मेरे को पता है, उठती ही ना है ये
ये उठ जाएगी, एबीएस बंद कर दूंगा तुरंत उठ जाएगी, मैंने उठाई है। कल ट्राई तो भाई मैंने अपनी बाइक जो है जब एबीएस नहीं चल रहे थे तब उठाई थी, और इसके एबीएस ऐसे काम करते हैं कि पहले हल्का ब्रेक लेंगे फिर हल्के फिर ज्यादा। ये BS6 है ना, उठेगी एबीएस बंद करती उठ जाएगी ये, छोड़ दे भाई ये छोड़ रही, पर ये कि ये ट्रिक में आ जा। तो इसने अपनी बाइक पे वही है ना कि ट्रिक जो है मतलब एक कॉम्पिटेटेबल अपनी चीज के साथ होती है कि जैसे मेरे को पता है कि मेरी कैसे है तो उस हिसाब से इसने इस पर ट्रिक ले रखी है। इस पर भी बैठ जाएगा मतलब ये है करने का मतलब ये है, और ये है थोड़ा सा ये बल्की भी है, और तुम देख भी लो कितनी खूबसूरत सी लग रही है। तो बात ये है, ये भी ढां डराती भी है, ये बात ये है। तो अभी देखो इसकी सर्विस हो गई है, छोटा बेटा ये रहा, तो अभी इसकी सर्विस हो गई है थर्ड सर्विस, और जो पावर ड्रॉप थी खत्म, ओके है ना, तो ओके रिपोर्ट है भाई। मैं भी चला के देखूंगा, मैंने चलाई भी थी, अभी मैं भी ट्राई लेता हूँ इसका। और अपनी का जो भी खराब था मतलब ये था इंजन से प्रॉब्लम जो थी खत्म हो गई इसकी, इंजन की मतलब रोकर्स जो थे मेरे छोटे भाइयों ने कर दिए थे, पर चलो कोई बात नहीं, सीखने में हो जाता है, वो सीख रहे हैं। तो जो दिक्कत थी वो सॉल्व हो गई है। ये ब्रेक उससे मेरे को ज्यादा सही लग रहा है भाई, ये ऐसा है, कौन से है ब्रेक, ये वही है क्या, वही ऐसे है, नहीं नहीं ना अंतर है क्या, हाँ अलग कंपनी के हैं ये, इस वजह से उठ रही है वो कंपनी जो है, और ये कंपनी जो है ये अच्छी आई है अगली बार से, मतलब ये करा अच्छा है ये वाले हैं। हाँ, हाँ। ग्रेमे का के आए हैं और उसमें जो है ब्राइबा के हैं, तो ये इस वजह से उठ रही है, अब पता चली ये जो है बायब्रा के जो ये हैं ये वाले कैलिपर, और वो पीछे इसमें दोनों डुअल चैनल है, भी ऐसे ये सिंगल चैनल है, भी ऐसे ये भी डुअल ही है, अच्छा डुअल है, मेरे को इसका पता नहीं था ज्यादा। तो ये जो है ये इस वजह से, हाँ ये रहा, ये लिख भी रहा, मैंने ध्यान भी ना दिया है, मैंने अभी वीडियो में आया, तो ये इस वजह से उठ रही है, ये उससे ज्यादा ब्रेक अच्छे है, मैंने अभी जैसे चलाई ना हमारे, उससे ज्यादा जल्दी फास्ट रुक रहे हैं वो, या तो ऐसा है कि कुछ और एनहेंस कर दिया मतलब अपग्रेडेशन कर दिए हैं, कि ये है कि जैसे ये बाइक मैं रोकता हूँ तो धीरे धीरे रुकती है, मतलब एकदम से वो वाले ब्रेक नहीं लेती कि एकदम से रुक गई जैसे रोक दिया, मतलब ऐसा है कि जैसे यहाँ ब्रेक मारे हल्की सी यहाँ जाके रुकेगी, अभी मैंने इसके ब्रेक मारे वहीं तो वहीं रुक गई, तो इस वजह से उठ रही है, मतलब वो नहीं है बस, और ABS बात ये है मतलब ये है पावर ज़्यादा है ब्रेक्स में, ये है तो इसीलिए बनी है ये ईयर ऑफ द बाइक। और चला के और पता चल जाएगी, कुछ दिक्कत रही तो मैं देख लूंगा इसमें, और अभी यही चला रहा हूँ। और देखो सबसे अच्छा फीचर इसमें ये लगा मेरे को, इसमें ये देखो यहाँ पे गियर बताती है, और इसका मीटर मतलब मेरी सेंस है, क्योंकि भाई ये अपग्रेड है 2022 है ये, तो कुछ तो अपग्रेड मिलता है, और साथ में यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी है, अच्छी है भाई ये भी, इसमें कोई वो नहीं है बट मेरी भी अच्छी है, बट ये भी अच्छी है, और बात तो ये है दोनों ही अपनी है। अभी तूने चलाई ये कैसी, फिर ठीक हो गई ना, बढ़िया मीटर चल रहा है ना, तो ये हमारे छोटे शेर दिखाइयो छोटू तो भाई बाइक पार्क कर दी है, कल इसे एक बार ढंग से अच्छे से क्लीन ही करवानी है, थोड़ी सी ना गंदी वंदी भी हो रखी है नीचे से, तो एक बार प्रॉपर एक क्लीन करवानी पड़ेगी ये। तो अभी भाई अपना जो सॉल्यूशन था आज, पूरा दिन बाइक में निकला और दूसरा फ़ोन में निकला, फ़ोन लेने में और इधर ही, और देखो मैं फ़ोन दिखा दूं तो मैं शायद मैं दिखा नहीं पाया, ये लाइट ना जल रही, अरे चलो यहाँ पर देखो भाई फ़ोन ये रहा 15 Pro, और 14 Pro मैक्स जो लिया था मैंने वो भाई ट्रांसफ़र कर दिया अपने छोटे शहर पे। कहाँ है फ़ोन, खुश हो फिर दिखाइए था चलो, और कवर ओवर भी लग गए वो भाई साहब, भाई हमारे पीछे मतलब मैं इसे देख के बाइक लेके निकल गया था, कवर ओवर सब लग गया देख रहे हो, देखो कि और बाहर अपनी जितनी भी गाड़ी है भाई ये 1, 2, 3 और एक ये 4, ये भी अपनी अंकल की है, और ये स्कूटी भी होनी है, एक ये होनी है, ये वाली स्कूटी उधर होगी अभी ये है, और दूसरा हाँ एक और सरप्राइज घर वालों को देना है, घर वालों को रिएक्शन देखते हैं, कल तो दूसरा एक फ़ोन खरीदा ही था 14 Pro Max, तो इस वाले फ़ोन को क्या है
इसे इसमें रख रहे हैं, ले इसे चिपका, तो इस फोन को इसमें रख रहे हैं और एज अ गिफ्ट दूंगा मैं उन्हें, और उनका रिएक्शन देखते हैं क्या रहता है। तो एक फ़ोन तो ले लिया है, अब दूसरा फ़ोन उल्टा रख कि दूसरा फ़ोन कहाँ से आ गया, अब देखते हैं वो कहेंगे क्या कहेंगे, देखते हैं अब कैसे क्या रहता है। अभी ज़्यादा बोल नहीं रहा, और चुप रही हो, चुप दोनों जने, चुप एकदम, और हंसी हुई मत ना, नहीं तो समझ जाएंगे वो। ठीक है, रख दे आराम से, ढंग से रख दे। तो चलो अभी दोनों मासी का रिएक्शन देखते हैं, अभी चौंकती हैं नहीं चौंकती, क्योंकि भाई कल फ़ोन एक और खरीदा, आज एक और खरीद लिया, भाई तीन मतलब 280-270 के आसपास खर्चा कर दिया। अभी देखते हैं क्या करते हैं, क्या कर रही है पहले ये देखता हूँ। दोनों तीनों बात कर रहे हैं। हाँ जी, क्या कर रहे हो तुम तीनों? लो तुम्हारा गिफ्ट लिया है मैं आज। हाँ, इनकी एनिवर्सरी भी है, छोटी मासी और चाचा की, तो गिफ्ट ले आया। अब देख तो लो पहले, देखो तो सही। तू फोन लाया? हाँ, एक फोन पर ले आया, एक आज ले आया। तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया मैं। ये मेरे लिए? हाँ। थैंक यू। खोल के देखो, खोल के पहले भाई, ऐसा कुछ रिएक्शन ना, खोल के देखो। अरे वाह, कैसा कलर, कैसा कलर? बढ़िया। तो भैया गिफ्ट दे दिया है, है? ये भी अपना ही है, ये वाला तुम्हारा हो गया, ये मैं ले लूंगा इसे। हाँ, ये तो जो नया वाला है ये तुम्हारा हो गया, और ये वाला मतलब ये हमारा हो, मतलब मेरा हो गया। ठीक है, खुश एनिवर्सरी, हैप्पी, मतलब गिफ्ट मिल गया तुम्हें। ठीक है, और भी तो उसमें, वो भी तो देख लो कुछ, एक और है अंदर। ये भी है, ये क्या है? इसका बैटरी पैक है आईफोन वाला, के वायरलेस चार्जिंग लगा लो और चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तुम कहती रहो ना कि चार्जिंग लगाते रहो, ये चार्ज ही ना होते कुछ ऐसी चीज, तो ये पावर, ये क्या है, चार्जिंग पैक है ये, तो इसे पीछे चिपकाओ, देखो ये चीज बढ़िया, ये इसमें पीछे चिपकाओ ऐसे यूं, और चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो चल गई ना चार्जिंग स्टार्ट, अब चार्जिंग चलेगी। तो आज पूरा मौसी रिएक्शन ना दिया, नहीं तो तुम तो ऐसा भी हो सकता है गाइस कि वीडियो बन रही है ना, इसलिए वो वाला रिएक्शन नहीं दिया, शायद वीडियो जब मैं बंद नहीं करता तब। अच्छा अच्छा हाँ, ना ना मैं सच में मौसी का ही लाया हूँ, अपने यहाँ ना लाया। अच्छा अच्छा, ये बात है, चलो खुश हो गई। अब क्या थोड़ा सा केक काटते हैं, रेडी वेडी होंगी अभी, पहले जब भैया जब केक काटेंगे। बात ये, अंकल तो चले गए, वो यार आर्मी है, जाना पड़ता है। तुम कैसे देख रहे हो भाई, तू कैसे हंस रहा है पीछे पीछे, ये हंस रहा है मौसी, तू कैसे हंस रही है, क्या हो गया? फोन मम्मी का फोन आया है, ये है मम्मी का आया, किसका आया है, है? अच्छा, अब तो खुश हो गई बेटा, तो मम्मी का आया बदल बादल, क्या? बादल, बादल कब आएगा? बादल पहले आएगा, पहले अच्छे से नंबर लाए जब जब मिलेगा। मैंने इसे भी बोल रखी है, ट्वेल्थ में ओए इधर देख, अगर 90% से ऊपर हुए आरएस तेरी। चलो, तो अंकल तो चले गए, केक कटवा देते हैं, मौसी भी खुश हो जाएंगे, और चलो जी केक कटा जाए। ठीक है, चलो जी, सारी आके सारे के सारे बैठ गए, ये दोनों पीस भी आके बैठ गए, एक पीस ही है यश कैमरा में, नहीं हाँ फोटोग्राफर, और मैं वीडियोग्राफर, और सबके सारे देखो, और हमारी जो जो भी आके बैठ गई। अब केक खाएगी, खिलाओगे? थोड़ा बहुत हल्का सा दे दियो, बहुत हल्का सा, इतनी खुशी है, खुशी देख रहे हो, केक की खुशी है। 14th एनिवर्सरी, ये चलो जी केक कट गया, और ये एक दो गिफ्ट, सबसे बड़ा गिफ्ट तो भाई यही है, अभी ने पता शायद, ये कितने का है पता है तुम्हें? बंद कर दे कॉपीराइट आ जाएगा बहुत है। चलो तो केक भाई कट गया। हाँ जी, तुम्हें बिल्कुल, तो लो पहली बाइट खिला दी जाए, हैप्पी एनिवर्सरी मौसी और चाचा श्री, चाचा श्री वीडियो कॉल पे आ गए भाई। चलो
आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो अभी क्या है, व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।